संजू है जी मेरा नाम। सर मेरी दीदी और वो लड़का एक ही दुकान पे इकट्ठे काम किया करते थे 5-6 महीने पहले। तो वो लड़का ना दीदी को काफ़ी परेशान किया करता था, पीछा किया करता था। तो दीदी उससे तंग होकर उसने दुकान छोड़कर दूसरी फैशन कम में लग चुकी थी। अब कल परसों उसने फिर दीदी का पीछा 2-3 दिन से पीछा कर रहा था, घर पर भी आना जाना करा उसने। फिर हमने उसको समझाया कि मतलब तू ऐसे मत कर। तो जी वो कल उसने दीदी को मतलब फ़ोन वगैरह किया और गली में आ गया कि पार्क ले जाके उसके मतलब चाकू से मार के हत्या करती है। और उस समय मौके वहाँ पे मौजूद था सर। ये बस वो पीछा कर तंग किया करता था दीदी को, इस वजह तो हूँ पता नहीं जी। पर हमें इंसाफ चाहिए जी। ना तो सुबह कोई डॉक्टर सुनवाई कर रहा है, ना कोई पुलिस सुनवाई कर रही है जी। सुबह 8 बजे के बैठे हुए हैं यहाँ पे। इंसाफ चाहते हैं जी हमारा। ना पेशेंट को दीदी को देखा है सुबह के, वैसे कोई डॉक्टर भी नहीं आया जी, ना कोई पुलिस वाला सुनवाई कर रहा जी। बस सुबह के कह रहे 5 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, सुबह का ऐसे ही हो रहा है जी। ये कोई नहीं है सर इधर हमें, सर सिर्फ साफ चाहिए, नहीं तो हम आधे घंटे में सिर्फ रोड जाम करेंगे। आधे घंटे के अंदर सर रोड जाम हो जाएगा, अगर सुनवाई होती तो ठीक है, नहीं तो आधे घंटे में रोड जाम होएगा जी। सर हमारे को कल शाम को सूचना मिली थी कि टाउन पार्क सिरसा में एक महिला जिसका नाम सुमन है, उसका उसके प्रेमी ने चाकू मार के हत्या कर दी है। जिस सूचना पर हमने उसके भाई के बयान पे हमने पर्चा दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सर क्या वजह, क्या पीछे हत्या की वजह? ये काफ़ी दिनों से इस लड़की का पीछा करता था, इसको परेशान करता था। कार्रवाई 302 का मर्डर का मुकदमा दर्ज कर दिया, 302 का पर्चा दर्ज कर दिया हमने। आरोपी गिरफ्तार है या फरार अभी? नहीं अभी फरार है, जल्दी इसको काबू कर लेंगे। सर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि खुद ही चाकू मारा और खुद ही लेके चला गया? नहीं, उसका भाई है जो संजय, वो उसको लेके आया था, वो मौके पे पहुंच गया था लड़का। वो वहाँ अपने सालासर धाम मंदिर में मत्था टेकने गया हुआ था, तो वो मत्था टेक के जब बाहर निकला तो उसने देखा कि जो आरोपी सन्नी हैं वो उसकी बहन के साथ झगड़ा कर रहा था, और उसके देखते ही देखते उसने चाकू मार दिए थे। मार के चाकू वो भाग गया था फिर मौके से, जो कि संजय कुमार फिर अपनी बहन को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में लेके आया था, जिसके दौरान इलाज मौत हो गई थी।